हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन ड्राई फ्राई। बहुत ही अलग तरीके से मैंने बनाया है, तो आप लोग देखते जाइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस बेल आइकन में भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं चिकन ड्राई फ्राई की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे चिकन, जो मैंने विथ बोन चिकन ले लिया है। यहाँ पे मैंने ऑनियंस ले लिए हैं जो मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है, थोड़ा सा अदरक ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन ले लिया है जो थोड़ा सा मीडियम साइज़ का पीस है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इसको मिक्स करके मैं मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। इसके बाद मैंने एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सरसों के तेल में चिकन बनाने से उसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन, मैंने जो आधा घंटा फ्रिज में रख दिया था, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें तेल में मैं डाल रही हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। जितना मैं फ्राई करना है आप लोग देखते जाइए कि कैसे मैं कर रही हूँ। बस वही स्टेप आपको फॉलो करना है। चिकन को बहुत ज़्यादा लाल आपको नहीं बनाना है, ज़्यादा सा फ्राई करने से ही आपको हो जाएगा। इसके बाद मैं चिकन को थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी और स्टीम को थोड़ा सा लो कर दूंगी। आप चाहे तो मीडियम स्टीम में भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने लो स्टीम रखा है। थोड़ा धीरे धीरे फ्राई होगा तो चिकन में जूसी फ्लेवर जो है वो हमेशा के लिए रह जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, कैसे चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। थोड़ा सा लाल लाल हो गया है, इसको मैं अभी प्लेट में निकाल लूँगी। और प्लेट में निकालने के बाद आपको देखना है कि जो हम तेल है कढ़ाई में, उसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर और जो मैंने कट किया था प्याज, वो प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप प्याज और टमाटर को अपने हिसाब से कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया है, क्योंकि बड़ा कट करने से और जो एक गल जाएगा तो गलने के बाद भी थोड़ा थोड़ा मुँह में आएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिला के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी तेल में। तेल आप अपने हिसाब से डालिए। यहाँ पे मैं गार्लिक और जिंजर का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, जो है 3 tablespoons मैंने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं डालूँगी जो चिकन मसाला है घर पे बना हुआ, वो चिकन मसाला मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चिकन मसाला का रेसिपी मैंने पहले ही दिया हुआ है, आप जाके मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हो। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और मिलाने के बाद यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। जो तीखा वाला पाउडर है वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो उसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं तीखापन के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है कलर के लिए भी और तीखा होने के लिए भी। और यहाँ पे मैं जो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था उसका पानी धो के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी फ्राई किया हुआ जो चिकन था वो इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लूँगी।
इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी पानी ऐड नहीं किया। थोड़ा देर ढकने के बाद इससे चिकन से थोड़ा सा पानी निकला है, जो आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सुंदर से मसाले के साथ चिकन मिक्स हो गया है। पानी आपको ऐड नहीं करना है, ओके। बहुत ही ड्राई रखना है, क्योंकि ये ड्राई फ्राई रेसिपी है, सो इसमें आप पानी ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता। आप लोग चाहे तो कोरिएंडर यूज़ ना भी करें तो वो भी चलेगा, आप गरम मसाला का यूज़ भी कर सकते हो। तो मेरा चिकन ड्राई फ्राई बिल्कुल रेडी है, परफेक्टली कुक्ड है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ ऑनियन मैं ऐड कर दी हूँ। इसको मैं अभी प्लेटिंग करूँगी। तो प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का स्क्वायर प्लेट ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके चिकन को ऐड करती जाऊँगी। और आप लोग चाहे तो गार्निशिंग के लिए अलग से आप इसमें धनिया पत्ता बाद में भी डाल सकते हो, तो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, कि जब जब मैं वीडियो डाल सकूँ आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो इसको आप गरम रोटी के साथ और राइस के साथ भी खा सकते हो। सो इट्स सो लुकिंग डिलिशियस। तो आप लोग घर में ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। अगर घर पे बनाए हैं तो इसका टेस्ट कैसा लगा आप वो भी बताइए। ओके फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।